अजीश कुरैशी साहब, इशरत और यहाँ रशीद फरमा सामईन जो वाकई सामईन हैं और यकीनन सुनने के लिए बैठे हुए हैं। मैं देहरादून से हाजिर हुआ हूँ अली मरतब कुरैशी साहब से, वहाँ मुख्तलिफ प्रोग्राम से मुलाकातें होती हैं और मैं आपके ख्यालात और एहसासात को हम सभी बहुत बहुत तवज्जो से सुनते हैं। ये गज़ल के चंद अशआर मैं आपके हवाले से पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाएं, अर्ज़ करता हूँ कि अश्क पी जाएं होंठ भी सी लें, अश्क पी जाएं होंठ भी सी लें, जिनको जीना है इस तरह जी लें। अश्क पी जाएं होंठ भी सी लें, जिनको जीना है इस तरह जी लें, और आज फिर मेरे खून से तर हैं, आज फिर मेरे खून से तर हैं अदल व इंसाफ की ये तहरीरें, आज फिर मेरे खून से तर हैं अदल व इंसाफ की ये तहरीरें, जिसमें के कत्ल करके मुझे मेरा कातिल, कत्ल करके मुझे मेरा कातिल पूछता फिर रहा है तफसीलें। बहुत अच्छे, वाह वाह। कत्ल करके मुझे मेरा कातिल पूछता फिर रहा है तफसीलें, और जुल्म से तुम न बाज आए अगर, समझिए कि जुल्म से तुम न बाज आए अगर अहम बन जाएंगी अबाबीलें, जुल्म से तुम न बाज आए अगर अहम बन जाएंगी अबाबीलें। मोहतरम शेख, अर्ज कर रहा हूँ कि आपके पास सिर्फ वादे हैं, आपके पास सिर्फ वादे हैं, आपके बस में कब है तकमीलें, आपके पास सिर्फ वादे हैं, आपके पास सिर्फ वादे हैं, आपके बस में कब है तकमीलें, आपके बस में कब है तकमीलें, और मिल के सब इनके नोच डाले पर, मिल के सब इनके नोच डाले पर उड़ न पाए फसाद की चीलें, उड़ न पाए, मिलके सब इनके नोच डाले पर उड़ न पाए फसाद की चीलें, उड़ न पाए फसाद की चीलें। और आगे शेयर कर रहा हूँ कि अब तो आंसू भी बह नहीं पाते, अब तो आंसू भी बह नहीं पाते मुंजमिद हो गई हैं ये झीलें, अब तो आंसू भी बह नहीं पाते मुंजमिद हो गई हैं ये झीलें, अश्क पी जाएं होंठ भी सी लें, जिनको जीना है इस तरह जीने। बहुत शुक्रिया। प्रोड्यूसर एडिटर शफीक खान, कैमरामैन रिहान खान। ये शानदार मुशायरा और कवि सम्मेलन इकबाल मैदान भोपाल मध्य प्रदेश इंडिया में 24 अप्रैल 2013 को मुनक्किद किया गया। ये मुशायरा उत्तराखंड के गवर्नर इज्जत माब आली जनाब अजीज कुरैशी साहब की सालगिरह पर मुनक्किद किया गया था। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया उर्दू राबता कमेटी, मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक जनकल्याण समिति, राजीव गांधी युवा मंच, आलमी उर्दू ट्रस्ट ने। हम शुक्रगुजार हैं हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर जनाब अंजुम बारा बंकी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, साथ ही डॉक्टर यूनुस फरहत साहब, जनाब इकराम सिद्दीकी साहब और जनाब कुतुबुद्दीन साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने ये खूबसूरत मुशायरा ऑर्गेनाइज करने में अपना अहम रोल अदा किया।